ACL सर्जरी के बाद चलने से डर लगता है, फियर ऑफ वॉकिंग आफ्टर ACL सर्जरी। आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट। तो दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद बहुत सारे लोग हैं जितने पेशेंट, उनको चलने से डर लगता है। डर लगता है कि अगर वो चलेंगे तो उनका लिगामेंट ढीला पड़ जाएगा, उनको लगता है अगर वो पैंड बैंड करेंगे तो लिगामेंट ढीला पड़ जाएगा, तो वो चलते नहीं है सर्जरी के बाद। कॉमन धारणा रहती है कि सर्जरी होगी, अब थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतनी ज़्यादा हीलिंग होगी। कुछ हद तक ये बात सही है। ये बात सही इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब भी आपकी ACL सर्जरी होती है तो जो ACL बनाया जाता है वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है और उसको फिक्स किया जाता है जनरली ऊपर बटन से। उसमें ऑटोमेटिक लूप्स आते हैं, फ्लेक्सिबल लूप्स आते हैं, एडजस्टेबल लूप्स आते हैं और नीचे स्क्रूज से, बायो स्क्रूज से, बायो ऑब्जर्वेबल स्क्रूज से। सो आपका जो नया ACL है वो 6 महीने तक वीक रहता है, 6 मंथ्स तक उसका हीलिंग चलता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन या हीलिंग फेज। सो इस 6 महीने तक, जब तक कि आपके टेंडन बोन से चिपके नहीं है और टेंडन लिगामेंट में कन्वर्ट नहीं हुए, जब तक वो कमज़ोर हैं तब तक आप उसको बचा के रखना पड़ता है। तो बचा के रखने के लिए जब आप ऑपरेशन के बाद आपको वॉकर दे दिया जाता है कि आप 1 से 1.5 महीने वॉकर से चलो, उसमें ज़मीन पे पाँव मत रखो, बेसिकली आप वेट मत डालो उस पर। अगर आप ऑपरेशन के बाद एकदम से चलने लगोगे पूरा वजन डाल के, उसको बैंड करोगे नी को, तो चलने से वो चीज़ ढीली हो सकती है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद प्रोटेक्शन दिया जाता है, ब्रेस लगा के 1 से 1.5 महीना, और बोला जाता है कि पैर बैंड मत करो और वॉकर से चलो, पैर ज़मीन पर भी मत रखो। अब ये चीज़ें करने से दोस्तों कुछ नुकसान होते हैं, इसको बोलते हैं काइनोसोफोबिया। काइनोसोफोबिया मतलब ACL सर्जरी के बाद चलने से डर लगना, और हमने आपको चलना बंद करा दिया सर्जरी के बाद, तो 3-4 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है क्योंकि जो बाहर जो ब्रेस लगाते हैं आपके घुटने में, एक्सटर्नल नी ब्रेस, वो आपके मसल्स को वीक कर देता है, बहुत पतला कर देता है। दूसरा, आपके घुटने को जाम कर दिया जाता है, तो जब आप ब्रेस हटाते हैं और धीरे धीरे हम जब बैंडिंग चालू करते हैं तो बैंडिंग में बहुत लंबा टाइम लगता है बैंडिंग अचीव करने में, तो कुछ लोगों का घुटना जाम हो जाता है, पूरा खुलता ही नहीं, क्योंकि मेरे को 3 महीने में बैंडिंग अचीव करनी है, अगर मैं 1 दिन में घुटने को बैंड कर दूंगा ऑपरेशन के बाद तो मेरे लिगामेंट ढीले पड़ जाएंगे। वहीं आपकी मसल्स वीक हो जाती है क्योंकि आप वजन दे के नहीं चल रहे, आपने ब्रेस लगा रखा है, आपका मूवमेंट नहीं है, आपकी एक्सरसाइज कम है, तो आपका मसल वापस डेवलप करने में साल भर लग जाता है। दूसरा, री इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मसल्स भी। सो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसके अंदर आपको डरना नहीं पड़ता सर्जरी के बाद। अगर हम यही सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से करते हैं, तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में दोस्तों हम आपकी वीक लिगामेंट जो कि 6 महीने तक वीक रहेगा उसके ऊपर हम एक फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बनाते, तो जो ब्रेस बाहर था वैसा ही उसी तरह का हमने इंटरनल ब्रेस आपके लिगामेंट के ऊपर बना। सो जब ये ब्रेस लगाया जाता है, फाइबर टेप का ब्रेस बनाया जाता है, अब ये इंटरनल ब्रेस सर्जरी हर जोड़ में होती है, नी जॉइंट के अंदर ACL, PCL, MCL, LCL, शोल्डर जॉइंट के अंदर, AC जॉइंट के अंदर, एंकल में जो लिगामेंट की इंजरी होती है वहां भी इंटरनल ब्रेस यूज होता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक आपके रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन वाले जो टिश्यूज हैं, टेंडन है, वो वीक रहते हैं, तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। या तो आप सपोर्ट देते हो प्लास्टर लगा के, ब्रेस लगा के, और उस पर वेट नहीं डाल, जिससे ये सब नुकसान हो सकते हैं कि मसल वीक पड़ जाती है, कुछ जोड़ जाम हो जाते हैं, या आप एक अंदर सपोर्ट बनाए, तो अंदर सपोर्ट बनाने से क्या होता है, तो आप ऑपरेशन के अगले दिन ही पैर बैंड कर सकते हो अप टू 100 डिग्री, जिससे आपका घुटना जाम नहीं होता क्योंकि हम 1 महीने में कंप्लीट बैंडिंग ले आते। जो वेट बेयरिंग है वो नेक्स्ट डे से चालू हो जाती है सर्जरी की, इंटरनल ब्रेस सर्जरी की। वहीं अगर नॉर्मल सर्जरी में हम 1 महीने में बैंडिंग तो ढीले पड़ जाएंगे, इंटरनल ब्रेस में क्योंकि अंदर सपोर्ट तो ढीला नहीं पड़ सकता। आपकी मसल्स वीक नहीं होगी क्योंकि आप पहले दिन से ही चल रहे हैं, पहले दिन से ही एक्सरसाइज करें, तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और जब तक वो वीक है लिगामेंट 6 महीने तक, अगर कल को आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो भी नहीं टूटेगा। जो प्रोटेक्शन आपको ये देता है वो आपको नॉर्मल सर्जरी में नहीं मिलता है प्रोटेक्शन। सो काइनोसोफोबिया एक ऐसी चीज़ है कि आपको सर्जरी के बाद डर लगता है चलने में। अगर हमने इंटरनल ब्रेस सर्जरी की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पहले दिन से चल सकते हैं। कुछ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए म्यूजिक थेरेपी बड़ी काम में आती है, तो म्यूजिक के साथ आप एक्सरसाइजेस करें, आप डरिए मत, आपको एश्योरेंस रहेगा कि आपका जो नया लिगामेंट है वो प्रोटेक्टेड है इंटरनल ब्रेस से। इसीलिए आप बिना डरे, बिना झिझके आराम से पहले दिन से चल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, घुटना बैंड कर सकते हो, उससे लिगामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका घुटना जाम नहीं होगा और आपकी मसल्स हमेशा स्ट्रांग रहेगी। सो काइनोसोफोबिया दूर करने के लिए दोस्तों पहली चीज़ है रीएश्योरेंस, कि अपने आपको रीएश्योरेंस करना है कि चलने से मेरे लिगामेंट में डैमेज नहीं होगा क्योंकि मैंने इंटरनल ब्रेस की सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से मेरा लिगामेंट प्रोटेक्टेड है, तो मैं चल सकता हूँ पहले दिन। म्यूजिक थेरेपी, अगर उसके बाद भी आपको डर लग रहा है तो आप म्यूजिक के साथ एक्सरसाइजेस कीजिए, धीरे धीरे म्यूजिक में फ्लो में आता है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं म्यूजिक से
और आप अच्छी एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। इसीलिए जिम में म्यूजिक चलता है, बहुत सारे एथलीट्स म्यूजिक सुन के एक्सरसाइजेस करते हैं। इन्हीं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम जल्दी गेट बैक इनटू स्पोर्ट्स कर सकते हैं। 3 महीने में हम रनिंग प्रोग्राम चालू करते हैं जिसमें हम रनिंग चालू करते हैं और उसके 1-1.5 महीने बाद हम बैक टू स्पोर्ट्स जाने की तैयारी। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम ढंग से आपके डाउट को समझ पाएं। आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो उसके सारे जवाब मैं दूं। हम रखें आपका ख्याल।